सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आई एम कार्तिकेय दुबे, योर लीगल फ्रेंड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करेंगे श्री हनुमान कॉटन मिल वर्सेस टाटा एयरक्राफ्ट लिमिटेड केस। इस केस का साइटेशन है 1963 3 SCC 522। SCC स्टैंड फॉर सुप्रीम कोर्ट केसेस। 1969 ईयर है और ये जो 3 है ये सुप्रीम कोर्ट केसेस के वॉल्यूम 3 पे ये केस दिया हुआ है और ये पेज नंबर है 522 से ये जजमेंट स्टार्ट होता है। अगर हम इस केस के बेंच की बात करें तो इसमें 3 जजेस थे, ऑनरेबल जस्टिस विद्यालिंगम, ऑनरेबल जस्टिस सहलाद, ऑनरेबल जस्टिस दुआ। और जो डेट थी जजमेंट की वो थी 28 अक्टूबर 1969। इस केस में जो हमारे रिलेवेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 9 और सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अपीलेंट पार्टी यहाँ पे है श्री हनुमान कॉटन मिल्स और डिफेंडेंट पार्टी है यहाँ पे टाटा एयरक्राफ्ट लिमिटेड। अब हम आते हैं इस केस के फैक्ट पे। सो यहाँ पे क्या हुआ था, रिस्पोंडेंट यानी जो टाटा एयरक्राफ्ट ने श्री हनुमान कॉटन मिल्स को कुछ एवियो स्क्रैप बेचने का डील हुआ 10 लाख रुपीज़ में, कि टाटा एयरक्राफ्ट लिमिटेड 10 लाख रुपीज़ में श्री हनुमान कॉटन इंडस्ट्रीज़ को कुछ स्क्रैप बेचेंगे। 2.5 लाख पेड ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अ टोकन मनी, अर्नेस्ट मनी या टोकन मनी। ये 2.5 लाख रुपीज़ जो श्री हनुमान कॉटन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा पे किया गया टाटा एयरक्राफ्ट लिमिटेड को टोकन मनी के रूप में, टोकन मनी को हम यहाँ पे अर्नेस्ट मनी भी कहते हैं। और रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो था उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना था। जो केस की सारी टर्म जो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट की जो सारी टर्म एंड कंडीशन थी वो टाटा एयरक्राफ्ट के हिसाब से थी, यानी कि रिस्पोंडेंट के हिसाब से थी। और कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारा क्लॉज 10 है उसमें जो मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज 10 में ये डिफाइंड था कि अगर रिस्पोंडेंट में कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द बायर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि टाटा एयरक्राफ्ट लिमिटेड जब चाहे तब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है अगर श्री हनुमान कॉटन इंडस्ट्रीज ने पेमेंट में थोड़ा सा भी देर किया या डिफ़ॉल्ट किया तो। सो फिर यहाँ पे देयर आर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, श्री हनुमान कॉटन इंडस्ट्रीज ने ब्रीच कर दिया और उन्होंने आगे पेमेंट करने से मना कर दिया जो 2 इंस्टॉलमेंट बची हुई थी। और फिर उन्होंने मतलब श्री हनुमान कॉटन इंडस्ट्रीज ने टाटा से रिफंड मांगा अपना जो उन्होंने टोकन अमाउंट जमा किया था, लेकिन टाटा एयरक्राफ्ट ने डिनाई कर दिया रिफंड करने को, ठीक है। उसके बाद इस केस में जो इशू रेस्ट हुए थे, वेदर द सम ऑफ 2.5 लाख वॉज पेड बाई द प्लेंटिफ एज दो द पार्ट ऑफ पेमेंट और एज एन अर्नेस्ट अमाउंट, मतलब कि जो 2.5 लाख रुपीज़ कॉटन इंडस्ट्रीज ने टाटा को पे किया था वो इंस्टॉलमेंट का पार्ट था या फिर एज अ टोकन अमाउंट एज अर्नेस्ट मनी उसको पे किया गया था। वेदर द डिफेंडेंट वर इंटाइटल टू फोरफाइट द सेड अमाउंट, मतलब जो हमारी डिफेंडेंट पार्टी है यानी कि टाटा एयरक्राफ्ट लिमिटेड है उस अमाउंट को रिफंड करने के लिए इंटाइटल्ड है या नहीं। फिर जो यहाँ पे हमारा जो डिसीजन आया है कोर्ट का, उसमें यहाँ पे कोर्ट ने सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई किया। इफ़ द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन इज फिक्स्ड इन केस ऑफ ब्रीच देन नो इशू, बट इफ़ द कंपनसेशन इज नॉट गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी डिसाइडेड रीजनेबली, मतलब कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन में पहले से मेंशन है कि ब्रीच के केस में हम कितना कंपनसेशन देंगे तब तो कोई इशू नहीं है, अगर ऐसा मेंशन नहीं है देन कोर्ट विल डिसाइड रीजनेबली। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने मतलब क्या डिसीजन दिया, उन्होंने मतलब कोर्ट ने बोला कि ये 2.5 लाख रुपए का आपको रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो अर्नेस्ट अमाउंट के रूप में आपने मतलब श्री हनुमान कॉटन इंडस्ट्रीज ने टाटा को दिया था तो उसका कंपनसेशन क्लेम करने के लिए आप इंटाइटल्ड नहीं हैं। और उसके जगह कोर्ट ने अमाउंट फिक्स किया 42,449 एज अ कंपनसेशन ऑफ द लॉस, मतलब कि जो श्री हनुमान कॉटन इंडस्ट्रीज का जो भी लॉस हुआ था उसके लिए कोर्ट ने एक रिजनेबल अमाउंट डिसाइड किया 42,499। थैंक यू, ये था हमारा केस। अगर आप लोगों को मतलब